बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना और उसकी हत्या को लेकर फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने की स्ट्राइक, कल भी रहेगी स्ट्राइक। बंगाल में जिस तरह एक डॉक्टर के साथ उसका रेप करके हत्या कर दी गई, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी जूनियर डॉक्टर का मनोबल कमजोर होता दिख रहा है। उन्होंने आज 11 बजे तक काम करने के बाद स्ट्राइक कर दी। वे धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वे कल भी स्ट्राइक पर रहेंगे। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है, उसका रेप हुआ, उसकी हत्या हुई है और उसके बाद सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की। उसके बाद प्रदर्शनकारियों पे हमले हुए हैं, फिर भी सरकार अभी भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। हम एसोसिएशन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और नॉन एसेंशियल सर्विसेज को बहिष्कार कर रहे हैं, जैसे कि OPD, जो भी आकस्मिक सेवाएँ नहीं है उनका बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर हैं और हमारे साथ ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर हैं। ये अभी हम नहीं बता सकते। जो हमारा एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर का यूपी का, उन्होंने अभी अनिश्चितकालीन के लिए किया। जब तक सरकार से कोई ठोस कार्रवाई का हमें मिलेगा नहीं, तब तक हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने जब वो बोलेंगे कि हमें बंद कर देना, हम उनके साथ हैं, हम बंद कर के, मतलब PGJR हूँ, जो PG ट्रेनिंग के अंडर होता है। तो आज हम लोग एक स्ट्राइक पे इसीलिए बैठे हैं, जो कोलकाता में जो एक PG ट्रेनर है, जो हमारी Co-PG है, उनको 36 घंटे के ड्यूटी के दौरान मरीज को बलात्कार करके बहुत बुरी तरीके में मारा गया है। तो ये एक ऑन ड्यूटी कई महिला, ये तो नहीं है कि बाहर है कहीं, मतलब कहीं बाहर तो घूम नहीं रहे, जो ड्यूटी प्लेस में जहाँ पे सिक्योर होनी चाहिए वहाँ पे ही मारा जा रहा है। और ये यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? जितने भी आज तो कहीं डॉक्टर के साथ हादसा हुआ है, कहीं पेशेंट्स के साथ भी तो हो सकता है, मतलब यहाँ पे इतना सिक्योरिटी कहाँ है? हम लोग को सेंट्रल सिक्योरिटी की जरूरी है। और जो भी यहाँ पे उस दिन जो इंसिडेंट हुआ है, हम सबसे यही मांग रख रहे हैं कि मरीज को मतलब जस्टिस मिले। और जितना भी हमारे तरफ से जो भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी लेबर रूम हम मेंटेन करते हैं, हम वहाँ पे हर तरीके से अटेंडर से हम लोगों को डील करना होता है। कोई कहीं पे भी घुसता है, कोई कभी, मतलब मीडिया वाले लोकल चैनल जो भी आते हैं, या कोई बहुत सारे अटेंडर्स आते हैं, जो जितने बुरी तरीके के अटेंडर्स आते हैं उन सबको हम लोग डील करते हैं। तो बात यह है, हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि हम लोगों को सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स चाहिए, चाहे CRPF हो या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो। वहीं इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बलबीर सिंह का कहना है कि जितने भी जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने 11 बजे तक काम किया, उसके बाद वे सब स्ट्राइक पर चले गए और वे कल भी स्ट्राइक पर रहेंगे। इमरजेंसी और OPD अन्य जगहों की जो भी व्यवस्था है उसके लिए जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको तैनात किया गया है, वही तब तक उनका काम करेंगे। KIA न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। OPD हड़ताल पे कर दी गई है, किस तरह का आंदोलन यहाँ पे किया? जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि ये कलकत्ता वाली जो घटना है उस पर सभी हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मनोबल काफ़ी कम हो गया है और उसी के दृष्टिगत सारे हमारे यहाँ जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने 11 बजे तक OPD इंडोर वार्ड सब जगह काम किया और 11 बजे को बाद उन्होंने OPD से अपनी सेवाएँ स्थगित कर दी हैं और इस संबंध में हमको लिखित रूप में भी दिया हुआ है उन्होंने और कल भी वो स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन अभी हम लोगों की एक वार्ता होगी 5 बजे, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तो उन्होंने अभी यही कहा कि हम जो भी इनकी नेशनल फोरम है रेजिडेंट डॉक्टर्स की उसके हिसाब से अगर जैसा भी डिसीजन होगा उसी हिसाब से लिया जाएगा। और कल IMA की भी स्ट्राइक है तो वो भी सारे डॉक्टर्स ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ OPD इंडोर इमरजेंसी सबके लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं, जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं सबको रोस्टर बना के लगा दिया गया है 3 दिन का और उसमें
कौन ओपीडी में बैठेगा, कौन इंडोर में रहेगा, कौन इमरजेंसी में रहेगा, सारे डॉक्टर्स तैनात रहेंगे बड़े वाले। ठीक।